हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी आ गई फिर से आपके लिए, आपका अपना केमिस्ट्री का क्लास। तो बच्चों, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग ने स्टार्ट किया था एबीसी ऑफ क्या केमिकल रिएक्शन, क्या रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो एबीसी में हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, रिएजेंट होता है एंड प्रोडक्ट होता है। सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट इक्वल टू रिएक्टेंट। क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। तो सबस्ट्रेट का तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग रिएजेंट पढ़ने वाले हैं। तो रिएजेंट क्या होता है? जिस कंपाउंड पे अटैक होता है वो हो गया सबस्ट्रेट, जो अटैक करता है वो हो गया रिएजेंट, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट होता ही है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रिएजेंट। जितना भी काम है या जितना भी रिएक्शन है, सब कुछ किसके ऊपर है? टोटल डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एवरी एटम हैज टेंडेंसी टू कंप्लीट देयर ऑक्टेंट। एक्सेप्शन क्या है? हाइड्रोजन, वो अपना ड्यूएट पूरा करता है। ये तो जितने भी एटम है सबको क्या है, टेंडेंसी सबकी है अपना ऑक्टेंट पूरा करने का करता है, तभी क्या होगा, वो स्टेबल होगा। और इस ऑक्टेट पूरा करने के लिए ही क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना? किसका फॉर्मेशन होता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जितने भी रिएक्शन है बस इसी ऑक्टेट कंप्लीट करने के कारण होता है, उसका काउज वही है। ठीक, तो जितना भी कुछ जो भी प्रोसेस है सब डिपेंड किस पे करता है? इलेक्ट्रॉन पे। ठीक, तो रिएजेंट जो है सो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक और एक होते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। कितने तरह के होते हैं? दो होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मींस क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, और फिलिक मींस क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक मींस क्या होता है, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, और फिलिक यानी लव, प्यार, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो वो इलेक्ट्रोफिलिक हुआ। तो इलेक्ट्रॉन से प्यार किसको होगा? जिसके पास कमी होगी उसी को प्यार होगा, उसको चाहिए। तो यहाँ नहीं क्या, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होता है एंड इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल वैसे कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस होते हैं, यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऐसे रिएजेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, डिफिशियंसी हो इलेक्ट्रॉन की, तो उन्हें इलेक्ट्रॉन से प्यार होगा, वो अटैक करेंगे न्यूक्लियोफाइल पर जिसपे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जिसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा वो चाहेंगे क्या, उससे अपना इलेक्ट्रॉन लेके या म्यूचुअल शेयरिंग करके या उससे लेके अटैक करके लेना ले लेगा और अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड हुआ इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस डिफिशियंट कंपाउंड है। ठीक, एंड न्यूक्लियोफाइल जस्ट इसका रिवर्स होगा, जिसको न्यूक्लियस से प्यार होगा, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन पूरा है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो क्या होगा, जिसपे इलेक्ट्रॉन पूरा होगा उसे क्या होगा, न्यूक्लियस से प्यार है, यानी प्रोटॉन से प्यार है, क्योंकि किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में या रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है, और इलेक्ट्रॉन की जितनी संख्या होती है उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे है न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रॉन पूरा है, तो वे ऐसे कंपाउंड पे अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो, तो न्यूक्लियोफाइल पे करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ये
इस तरह से दो तरह के रिएजेंट होते हैं, कौन कौन, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अब आते हैं हम लोग बारी बारी से सबका विथ डिफिनेशन एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो पहले क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो चले चलिए, इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड फिलिक, फिलिक क्या हो गया, लव, जिससे इलेक्ट्रॉन से प्यार हो वो हो गया इलेक्ट्रोफाइल। क्या हो गया वो, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल मीन्स ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे अब रिएजेंट क्या होगा, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये सबस्ट्रेट हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, ये हो गया सबस्ट्रेट। अब यहाँ ये हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, और ये क्या करेगा, अटैक करेगा, अटैक ऑन किस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है ना, तो किस पे करेगा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन रिच है। आगे बात समझ में, क्या है वो, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, अटैक वही करेगा ना जहां से उसे इलेक्ट्रॉन मिल सके। तो न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन भरा है, ज्यादा है, तो वहां पे अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल रिच सेंटर पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये हो गया रिएजेंट, ये हो गया क्या, रिएजेंट जो अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, ठीक। क्या इसके बाद, तो ये हो गया सबस्ट्रेट, ये हो गया रिएजेंट, और ये प्रोडक्ट हो गया, मेन जो हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में, अब इसका क्या करते हैं, डिफिनेशन देते हैं। चलिए, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड व्हिच हैव टू टेंडेंसी टू अटैक, क्या, व्हिच हैव टू टेंडेंसी टू अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। मैंने यही तो बताया था, क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी विच हैव टेंडेंसी टू अटैक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो जितने भी केटायन है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल देखे, तो जितने भी केटायन है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। केटायन वही होते हैं जिसमें प्लस चार्ज होता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जितने केटायन होते हुए सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। एंड जिसकी ऑक्टेट पूरी नहीं हुई रहती, वैसे कंपाउंड जिसकी ऑक्टेट पूरी नहीं हुई रहती है, तो वैसे कंपाउंड भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इसी के लिए अटैक करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, देते नहीं हैं, ठीक। तो वैसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं न्यूक्लियोफाइल पे। तो चले बच्चों, चलिए, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहने से ये न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड फिलिक मीन्स लविंग, जिसको न्यूक्लियस से प्यार हो, अट्रैक्शन हो, जिसको न्यूक्लियस के तरफ टुवर्ड अट्रैक्शन हो, न्यूक्लियोफिलिक हो गया। आ गया, ये लिविंग नहीं होगा, लविंग होगा, सॉरी, लविंग होगा, जिसको न्यूक्लियस से क्या हो, प्यार हो, वो उसके तरफ अट्रैक्शन हो, वो हो गया न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। क्या थे, रिएजेंट। समझ में, सेम होगा यहाँ न्यूक्लियोफाइल पर, तो
ये न्यूक्लियोफाइल है और ये एजेंट क्या होगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे रिएजेंट होगा तुम्हारा न्यूक्लियस लविंग न्यूक्लियस लविंग यहाँ अटैक करेगा किस पे, जहां इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर हो, कहां इलेक्ट्रोफाइल पे, इलेक्ट्रोफाइल क्यों, तो यहां क्या है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर है, डिफिशियंट सेंटर आगे बात समझ में, इसके पास तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किसी को देगा जिससे उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा क्या, अब कुछ मेरे पास बहुत ज्यादा है दूसरे को उसकी जरूरत है, अब मैं जब उसे दे दूंगी तभी मेरा स्टेबिलिटी कंप्लीट होगा, जब बहुत मतलब इलेक्ट्रॉन जिसके पास ऐसे कंपाउंड जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा वो अपना स्टेबिलिटी कैसे पूरा करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग से या डोनेट करके ही ना पूरा करेगा, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं, आगे बात समझ में, तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, न्यूक्लियोफाइल फाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, have tendency which have tendency to attack on electron deficient center, deficient center किसकी टेंडेंसी किस पे होती है, किस पे वो अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो वैसे सेंटर पे, किस कहां पे इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, आगे बात समझ में, जस्ट रिवर्स होता है, जितने भी कैटायनिक कंपाउंड होते हैं वे सारे क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, कैटायन जितने होते हैं जस्ट रिवर्स, जितने भी एनायन होते हैं वे क्या होंगे न्यूक्लियोफाइल होगा, एनायन यानी इलेक्ट्रॉन रिच होंगे वो क्या होंगे न्यूक्लियोफाइल होंगे, उसके बाद न्यूट्रल में आते हैं जैसे H2O, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल, क्यों यहाँ पे ऑक्सीजन पे हमेशा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, तो ये जितना है सब पे क्या है ऑक्सीजन पे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पे क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सल्फर पे, फिर इसमें तो ये इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो क्या करता है दूसरे को डोनेट करता है, ठीक है, तो ये इसके पास जितने पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिसमें पाई बॉन्ड होते हैं ऐसे कंपाउंड जो पाई बॉन्डेड होते हैं जैसे अल्काइल अल्कीन ये सारे क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो क्या है लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जितने पाई बॉन्ड वाले होते हैं वे सारे क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये सारे हो गए क्या न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल, इस तरह से आज हम लोगों ने रिएजेंट के बारे में पढ़ा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विदाउट रिएजेंट कोई भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो रिएजेंट मेन दो तरह के होते हैं कौन कौन, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल नाम से ही पता है इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड फाइल मीन्स क्या होता है फ्लिक मीन्स लव होता है, तो जिसको इलेक्ट्रॉन की भूख हो लव हो यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसे इलेक्ट्रॉन की भूख होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो वो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, तो ऐसे स्पेसी इलेक्ट्रोफाइल आर द स्पेसी विच हैव टेंडेंसी टू अटैक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, जिसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करने की,
इसमें जितने भी कैटायन होते हैं वे सारे क्या आते हैं, किसमें आते हैं, वो सारे इलेक्ट्रोफाइल में आते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिसकी ऑक्टेट पूरा नहीं होती है तो वो भी क्या आते हैं, वो भी आते हैं इलेक्ट्रोफाइल में। उसके बाद आता है न्यूक्लियोफाइल, ऐसे कंपाउंड जिसका जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जिसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ हो, तो वैसे कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल आर द स्पेसी विच हैव टेंडेंस इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी विच हैव टेंडेंसी टू अटैक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड। तो वैसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियो, वैसे रिएजेंट क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। जस्ट इसका रिवर्स, जितने भी एनायन है वे सारे क्या कहलाएंगे, वे सारे न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। एंड जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, कंपाउंड है, वे सारे क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और वैसे कंपाउंड जिनमें लोन पेयर या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वे भी क्या कहलाते हैं, वो भी न्यूक्लियोफाइल में आते हैं। ये सारे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होते हैं। तो आई थिंक आप लोगों के समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, जल्द से जल्द जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।